नहीं है, धन्यवाद है। और जो गुरु अपने शिष्य की निगरानी करता रहता है और अपनी निगरानी में जो शिष्य नाराज नहीं होता है, जो माता पिता अपने सुपुत्र की निगरानी में लगे रहते हैं, बेटी की निगरानी, बहू की निगरानी, और बेटी और बहू और बेटा खुश रहते हैं कि कम से कम मेरे सुपरविजन में लगे हुए हैं, देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, अगर उसमें वो बेटा बेटी बहू खुश है और शिष्य भी खुश है, तो याद रखना ऐसे लोग अपने गुरु से भी अधिक ऊंचाई को छूते हैं, अपने माता पिता से अधिक ऊंचे पहुंचते हैं, उनकी सफलता और उनके शिखर की नाप किसी के पास नहीं होती। और जो अपने बारे में शिकायत सुन करके गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, मुंह फुला लेते हैं, गुर्राते हैं, माता पिता उनकी कमी को जानते हुए भी कह नहीं पाते। माता पिता उस व्यक्तित्व का नाम है जो आपकी कमियों को दूर करने का प्रयास बुढ़ापे तक करते रहते हैं। और लल्लो चप्पो करने वाले, भूसा के ऊपर लीपने वाले तो बहुत गद्दार मिल जाते हैं, जो दूध पीने वाले दोस्त होते हैं, लेकिन कभी अगर संघर्ष में जरूरत पड़ी एक बूंद खून की तो निकलकर साइड में चले जाते हैं। ऐसे गद्दारों से, मक्कारों से बचिए और अपने माता पिता की डांट को, उनकी कंप्लेन को, उनके समझौते को सुनिए। आप देखिए आपकी जिंदगी में नया चमत्कार होगा, सारी दुनिया आपको नमस्कार करेगी, नमस्कार करेगी।